हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतु गौरव और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कोई न्यू टॉपिक नहीं है मेरे पास पढ़ाने के लिए, बट आज की वीडियो और वीडियो से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज की वीडियो आप देख सकते हैं वेरी स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने प्रेजेंटेशन लिया था, उन्होंने कुछ टॉपिक्स अपनी तरफ से पढ़ाए थे, उसी को आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वेरी इंजॉयफुल वीडियो और वेरी अमेजिंग वीडियो, इसलिए वीडियो को अच्छे से इंजॉय करना और फुल वीडियो देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा देर ना करके आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम निखिल सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक। माई टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं आपको पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। हमारा ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकेंड है हमारा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। सो पहले मैं डिफाइन करूँगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। Good evening everyone, my name is Narendranath Gautam, I am reading in 12th class science. Today my topic is परमाणु संरचना। तो पहले हम देखते हैं परमाणु संरचना होती क्या है। तो इसके बारे में हम तीन बातें जानेंगे कि तीन प्रकार से कैसे थी, प्राचीन काल में क्या था और इसकी खोज किस प्रकार हुई और इसके आधुनिक शब्दावली क्या है। तो पहले देखेंगे हम इतिहास। तो इतिहास में जो था प्राचीन काल में जो दार्शनिक थे, दार्शनिक मतलब जैसे आज के ज़माने में तुम साइंटिस्ट जानते हो, ये दार्शनिक कहलाते थे। उनका मत मतलब तथ्य था, वो बात कहते थे कि प्रत्येक द्रव्य पदार्थ या वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये था प्राचीन इतिहास में। फिर इसकी खोज हुई तो 1803 में। माय नेम इज़ पीयूष कुमार फ्रॉम क्लास 11th। टुडे टॉपिक इज बर्क एनर्जी थ्योरम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रश्मि सिंह, टुडे माय टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास। लेट अस कंसीडर रिएक्शन। पहले हमने सिंपली एक इक्वेशन ले ली है, ठीक, फिर उसमें इक्विलिब्रियम द कांस्टेंट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, पहले केसी की वैल्यू रख दी है उसमें कॉन्स्टेंट। Thank you.
एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अर्शी, स्टूडेंट ऑफ क्लास स्टैंडर्ड. टुडे इज माय टॉपिक इज ओम्स लॉ. सो आई एम स्टार्ट नाउ. ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज फॉलोइंग करंट द फॉलोइंग टू अ मेटलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड इज द मेटलिक कंडक्टर. सो मेटलिक कंडक्टर मैग्निफिकेशन ऑफ आई प्रोपोर्शनल वी. So, we want first define is R. What is R? R is the proportionality constant called the resistance of conductor. So, SI unit of ohms is. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. एंड मैं आपको एक टॉपिक समझाने के लिए आई हूँ जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में तो है जिसका द्वितीय त्वरण जी है और आगे न्यूटन के द्वितीय नियम से वस्तु पर क्या गया बल एफ बराबर एम जी है तथा माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु है और त्रिज्या आर ई तथा वस्तु के केंद्र से दूरी आर ई प्लस एच है. तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे. गुड इवनिंग एवरी वन, माई नेम इज़ निरुमा फ्रॉम क्लास 11. आज का मेरा टॉपिक है साइंस. साइंस का इंट्रोडक्शन. साइंस लेटिन भाषा के सिंटिया शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जानना या हमारे चारों ओर के वातावरण या आधुनिक घटनाओं का अध्ययन करना. और जो फिजिक्स होती है उसका अर्थ होता है कि हम अपनी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानें. और फिजिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स. और इनके हिंदी में नाम बहुत अजीब होते हैं. सबसे पहला चिरसम्मत. आई एम शताक्षी सिंह फ्रॉम क्लास 11. टुडेज माई टॉपिक इज मोशन, गति. समय के साथ वस्तु की स्थिति के बदलने को गति कहते हैं. हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार की गति होती है, प्रत्यक्ष गति डायरेक्ट मोशन और अप्रत्यक्ष गति इनडायरेक्ट मोशन. प्रत्यक्ष गति वह गति होती है जिसे हम अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी का चलना या फिर सड़क पर व्यक्ति का चलना या ग्रहों की गति. और अप्रत्यक्ष गति वह गति होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति. गुड इवनिंग, माई नेम इज़ पंकज कुमार सिंह. आई रीड इन क्लास 12th. टुडे इज़ माई टॉपिक ट्रांसफार्मर. डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्नतम व उच्चतम करती है. यह प्रायः अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है. अब इसकी रचना देख लेते हैं हम. ट्रांसफार्मर में एक प्रचलित क्रोड ट्रांसफार्मर एक पतली क्रोध के तांबे के विद्युत तार लपेटकर दो कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं.
प्राथमिक कुंडली को प्रायः एसी मेन से जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली से निर्गत वोल्टेज प्राप्त किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर को प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया, जिसका पहला भाग है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यह प्रायः निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम अधिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अब इनके चित्र देख लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।